ओके रेवान, देखिए न्यूमेरिकल जो करेंगे बेसिक फंडों पे करेंगे। कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मोस्ट ऑबली जो ये सिंपल वाला, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। चिराजी, इसका मतलब क्या है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई का मतलब क्या है? तो जो फोर्स है इट्स इक्वल टू द चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यार इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? वो द इलेक्ट्रिक चार्ज वो समझने की कोशिश कीजिए जरा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं तभी आपको 5-10 मिनट लगा के लेक्चर के शुरू में जो फॉर्मूलाज है उनका थोड़ा सा मीनिंग एक बार रिवाइज करा दूं। ये जो क्यू है यार, ये क्यू आप चार्ज मूव कर रहे हो किसमें? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आई? रेहान समझे जी, समझ नहीं आ रहा? समझे। रेहान जी, ये मेरा मदर चार्ज है क्यू। इसकी वजह से ये पॉजिटिव मदर चार्ज है। इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। इसने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है कहाँ? यहां पर, एट अ पॉइंट पी। एट अ पॉइंट पी चार्ज, मदर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ई। मेरी बात समझ आई नहीं है? समझे और इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है क्यू, तो उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो समझे ये दादा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं है। ये बेचारा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है। अब्बाजी, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। ये चीज कंफ्यूज मत कीजिए यार। रेवान जी, समझ नहीं आ रहा? समझा सर। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, हर बार टेस्ट चार्ज तो नहीं होगा। आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि सर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। किसकी वजह से? आपको बताया नहीं जाता कि सर एग्जिस्ट करता है। कितना एग्जिस्ट कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज बैठा है क्यू, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी चिराग जी? भाई, सर क्यू इन टू ई यस मेरी बात समझ आ रही है मैं कह रहा हूं? सर यस सर। बाजी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर ये चार्ज क्यू है तो इसका फोर्स का फॉर्मूला एफ इजिकल टू क्यू इन टू ई है। सर, मैं ऐसा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गेस्ट है और ये एनवायरनमेंट है। नहीं समझ में आया? यस सर समझा। ये बेचारा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू की वजह से नहीं है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, बट ये कंफ्यूजन की जगह बन जाती है, वजह बन जाती है। आई एम सॉरी। राजी, समझ यस सर। आया? मुझे आपका एग्जांपल समझा नहीं बराबर। हाँ रेवान जी, मैं आपके घर पे क्या मैं आपके घर पे क्या तो मैं हूं ये, और मैं आपके घर में आया हूं, ये है आपका घर, रेयॉन्स हाउस। अब मैं जब आपके घर पे आऊंगा तो मेरे पे एक फोर्स लगेगी, तो मैं गेस्ट हूं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनवायरनमेंट है। मेरी बात ही समझ में? समझा बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो चिराग कह रहा था, शुरू में कह रहा था, और सबको ये कंफ्यूजन रहती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यार एनवायरनमेंट है जिसमें आपने चार्ज क्यू को डाल दिया। अब ये जो एनवायरनमेंट है दैट कैन बी ड्यू टू अ नोन टेस्ट, अ नोन मदर चार्ज क्यू, और इट कैन बी सम अननोन। यार वो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है। जो भी डाउट, नहीं सर अभी समझा। अब पहली चीज जो आपको समझाई जाती है वो समझाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी दूसरी चीज समझाई जाती है पोटेंशियल। ये जो मदर चार्ज है, ये जो मदर चार्ज है, इसकी वजह से इसके आसपास, ये अगर हमें मतलब थोड़ी देर देखने के लिए इमेजिन कर लीजिए कि इमेजिन कर लीजिए, इट इज अ मेटालिक कंडक्टर। तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और
ये हर पॉइंट जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, विच इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q/r2। ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है समझा वो डिफरेंट है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा सर। जो मैग्नीट्यूड है दादा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। कोई डाउट आ रहा नो सर, है रेवान जी? डाउट आ रहा नहीं सर। है? 1 सेकंड यार, 1 सेकंड सर, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलो। ओके, यस सर। दूसरा, 2-3 लेक्चर इस बात पे जा चुके हैं कि बात समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो सेम है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसके आसपास ये मॉडुलस का साइन लगा दिया, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसकी जो इंटेंसिटी है दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। रेवान, मेरी बात समझ आ रही है? द सेकेंड थिंग विच विल बी हैपनिंग वुड बी पोटेंशियल। तो ये जो सर्कल है, या सर्कल नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, इसको स्फीयर बोलना चाहिए, ये जो स्फीयर है इसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल ड्यू टू मदर चार्ज है वो भी सेम है। नहीं समझ में आया? एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। चिराग जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नो सर, रेवान जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर। यार सफाई से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये शांति से समझिए, क्योंकि ये फंडे समझ आ जाएंगे तो डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल वगैरह सब हंसी में जाग हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कि ये मेरा बैठा हुआ है, ये मेरा मदर चार्ज क्यू बैठा हुआ है। अब ये मदर चार्ज क्यू पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R3। हमारी बहुत बार बात हो चुकी है, ये जितने मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये बेसिकली सर्कल्स नहीं है, ये स्पीयर्स है। इस बात पे कोई शंका तो नहीं है? सर्कल्स नो सर, नो सर, नहीं है, स्पीयर्स है। आपको कोई परेशानी तो नहीं इस बात पे? नहीं सर। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल है, वो 3D में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिस्टेंस R1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस R1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी गिवन बाय E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q/r1² सर, कोई परेशानी? नो सर, सिर्फ ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है, और हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। चिराग जी नहीं समझ रहे? समझ आया। और दूसरी चीज ज्यादा बोली जा रही है कि पोटेंशियल भी होगा। अब पोटेंशियल में यार फायदा ये है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो बिंदास स्केलर है, तो उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का धंधा ही नहीं। तो ये सिंपली इसका फॉर्मूला ये है, और लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि सर है कि याद रखिए, यहां पर R² आता है और यहाँ R आता है। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? चिराग सर, जी अगर समझ आ रहा है, अब मुझे एक बात बताइए। लेट अस अज्यूम यहां से घूमते फिरते ऐसे वैसे, मतलब पूरा अय्याशी के साथ आप घूमते फिरते एक चार्ज को यहाँ लेके आते हैं। चिराग जी मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? जो यस सर। चार्ज घूम फिर रहा है वो है स्मॉल क्यू, तो उसमें वर्क डन कितना होगा? सो Q इंटू आर वी क्यू इंटू वी एट R3 - V एट R2। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ जो पोटेंशियल है, ये जो सर्फेसेस हैं इनको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। सर डाउट आ गया। नो सर, समझ आया सर। वी क्यू इनटू वी एट आर टू माइनस वी एट आर थ्री। इसको बोलता हूँ V3, इसको बोलता हूँ V2। V3 का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाय आर थ्री। V2 का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाय आर टू। V3 बड़ा होगा चिराग जी या V2 होगा? सर वी टू, क्यों? क्योंकि वी टू और पास में है। क्योंकि आर टू छोटा है। नहीं समझ यस में? सर, अगर आर टू छोटा है तो वी टू बड़ा है, तो वी टू बड़ा है। वी थ्री से रेवन जी चक्कर आ रहे हैं, दिमाग में वॉशिंग मशीन में घूम रहा है। नहीं 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 सर, समझा। तो वी थ्री जो है, वी थ्री मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, वी थ्री जो है वो छोटा है, वी टू जो बड़ा है। कहने का मतलब अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इक्वेशन में समझना मुश्किल हो जाता है, इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं, विजुलाइज ऐसे किया जा सकता है कि ये है आपका V3 और ये है आपका V2। आप अपने जो चार्ज Q है उसको धक्का मार के ऊपर लेके जा रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा। तो वर्क डन कितना होगा मिस्टर चिराग? सो क्यू इनटू V2 माइनस V3। V2 माइनस V3, जिसको हमने कल बोला था क्यू इंटू डेल्टा वी। नहीं समझ में आया रेवन जी? समझा सर। रेवन जी रिवीजन इसलिए कराई जा रही है कि कल अगर कोई फंडा कच्चा पक्का भी रह गया होगा तो वो आज आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ आ गया? जी सर। ओके, अब देखिए सर, कुछ दो तीन बातें समझ आती हैं जो जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था। अब हाँ, पहले तो अगर आप इसको यहाँ लिखना चाहते हैं, ऐसे थोड़ा लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। बट इतना बड़ा फॉर्मूला देके आप डर लगना शुरू हो जाते हैं कि हे भगवान प्रभु ठीक है, तो ऐसे करके लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं। चिराजी ठीक लिखा? यस सर। ये हो गया इस पे वर्क डन। चिराजी ठीक है? यस सर। अब ये जो वर्क डन आपने किया, चार्ज आपने उठा के यहां से उठाया, घूमते फिरते यहां बैठा दिया। अब टेस्ट चार्ज बैठा है यहां पर, मदर चार्ज बैठी है यहां पर, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में चिराग जी अब क्या हो गया? सर अब्बा जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्योंकि सर काम किया ना आपने। हाँ सर, ऑल वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो काम आपने किया वो सारा का सारा काम जो है वो आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। चिराग जी कंफ्यूजन आ रही है। नो सर। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी? इतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्यू बाय जो आप काम करोगे, जो आप काम करोगे, जिस पोटेंशियल के अगेंस्ट आप काम करोगे, जितना काम करोगे दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। हरियाणा जी का कंफ्यूजन? नहीं सर। अगर आपको यहां तक बात समझ आ गई है तो एक बात और भी समझ लीजिए। अब जैसे आपने लेक्चर के शुरू में बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस मदर चार्ज की वजह से हो सकता है कोई रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरह जो पोटेंशियल है वो हो सकता है मदर चार्ज की वजह से हो, या हो सकता है कि आपको बता दिया जाए, आपको ये बता दिया जाए कि सर अपने काम से मतलब रखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V1 है और यहाँ पोटेंशियल V2 है, एंड लेट अस अज्यूम कि V2 इज मोर देन V1। मेरी बात नहीं समझ रहा? कंफ्यूजन? नो सर। तो बात ये आ जाती है यार कि दो दो चीजें घूम फिर के, दो तीन चीजें घूम फिर के हर जगह आ जाती हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। फोर्स आ जाती है हर जगह, जहां फोर्स आता है वहां वर्क आ जाता है, जहां वर्क आता है साथ में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जहां फोर्स आता है
इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो पोटेंशियल आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ग्रेविटेशन में भी हर बार मिलेंगी, और आप इलेक्ट्रिकल में आएंगे तो भी आपको घूमते फिरते सेम फंडे आ जाते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझो और कंफ्यूज होना चाहते हैं तो देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में भी आ जाता है वर्क और एनर्जी, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा, तो समझो, और कंफ्यूज होना चाहते हैं तो आप सरफेस टेंशन करेंगे, सरफेस टेंशन उसमें भी जैसे ही फोर्स आती है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी साथ में ही आ जाती है। नहीं समझ में आ रहा, समझा पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। तो अब जब बात चली रही है इसी तरह, जब आप मेरे साथ स्प्रिंग का चैप्टर करेंगे उसमें भी ये स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग को आप पुश करके आपने उसको ऐसे पतलू सा कर दिया, तो जैसे ही पतलू किया आपने वर्क डन किया तो ये जो पतलू सा स्प्रिंग है इसके अंदर एनर्जी आ गई। नहीं समझ में आया, समझा समझो तो ये भाई बहन ये इकट्ठे ही चलते हैं, ये जो पांच पांडव हैं ये इकट्ठे ही चलते हैं। जहां फोर्स आएगा वर्क डन आ जाएगा, फिर एनालिसिस शुरू हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, और कुछ केसेस में बात चल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल की। सर नहीं समझ आ रहा, समझा सर कोई कंफ्यूजन है? नो सर और छोटी सी बात देख लीजिए, वैसे तो मैं और कंफ्यूजन ऐड करता जा रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ग्रेविटेशन है ये हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स। कंजर्वेटिव फील्ड्स मतलब इसमें जो पाथ आप फॉलो कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। घूमते फिरते आप ये चार्ज को यहाँ पीछे इधर उधर पूरा घुमा के भी यहाँ लेके जाएंगे तब भी सेम वर्क ही होगा। नहीं समझ में आया, समझा तो समझो ठीक है। आई थिंक हाँ, एक और फॉर्मूला देख लीजिए जो हमारी हेल्प करने वाला है। मतलब बात तो यही है, मैं उस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग एक शॉर्ट सक्सेंट उसमें लिख देता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सर कोई कंफ्यूजन? नो सर नो सर तो ये एक फॉर्मूला हमने लिख दिया, एक फॉर्मूला हमने, आई थिंक हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा हमें तो खास जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो आपको फंडे हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। ये है सर आपकी क्लास 11 का ओल्ड एडिशन सॉल्व क्वेश्चंस, देख लीजिए सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस भी आज मैंने आपको भेज दिए, सारे क्वेश्चंस आपको आज कल परसों 3 दिन है उसमें कर लेने चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अबाउट 5.3 मीटर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे मिस्टर चिराग? सर क्यू एन टू अच्छा नहीं सर सर एक कूलम लाओ। नहीं समझ में आया, सर कंफ्यूजिंग यार, कभी कह रहा हूँ बार बार न्यूमेरिकल करो यार, नहीं तो नहीं कुछ नहीं समझ आएगा। अब आज कोई डाउट है? अब नो सर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, ये तो 9th-10th में शुरू हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों पे चार्ज सेम होगा, 1.6 × 10⁻¹¹। नहीं समझ में आ रहा सर, कोई डाउट है क्या? नो सर नो सर चिराग जी कोई कंफ्यूजन लग रही है, आप बड़ा नहीं सर समझ नहीं सैड सी आवाज में आवाज आएगी। राव जी कोई कंफ्यूजन है क्या? दादा सर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज सेम ही होने वाला है, हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर 1.6 न्यूट्रॉन कोई होगा नहीं, 1.6 × 10⁻¹¹ यहाँ और 1.6 × 10⁻¹¹ यहाँ, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो फोर्स निकाल सकते हैं आप। सर के कंफ्यूजन, सिर्फ नहीं एक चीज याद रखिए, जब आप अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे ना, ये सॉल्व के बाद अनसॉल्व है, तो एक जगह जो डिस्टेंस है वो 10⁻¹¹ लिखा हुआ है, इतनी अकल होनी चाहिए कि 10⁻¹¹ तो हो नहीं सकता, तो वो माइनस अपने आप निकाल देते। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। अब आज आगे चले, यस सर इसमें जो
इसमें जो परेशानी आएगी आपको, वो तो परेशानी इसको सॉल्व करने में आएगी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज। यस सर, क्वेश्चन देखने में आसान है, बट इनकी जो कैलकुलेशन है ना यार, वो दुखी करती है, वो थोड़े प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अ टू चार्ज, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको माइक्रो कूलम बोलते हैं, बहुत बार बात हो चुकी है, ये 10^-6 है, दो चार्जेस हैं, आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में स्टोरी नहीं चलती, 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.1 मीटर में। सर नहीं समझ में आ रहा, समझा। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो? रेवन जी नहीं समझ में आ रहा, आगे नहीं समझ में आया। सो समझ जाओ, समझ आया तो बताइए कैसे करेंगे। सो एक मिनट, अब बात कैसे करेंगे, और पहले दोनों चार्जेस का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसमें। बोलिए बोलिए बोलिए, सर एक मिनट। हाँ सर, फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पर हम पहले वाले में आर की जगह एफ लगाएंगे और दूसरे वाले में 0.1-x लगाएंगे, और ये के क्यू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन एक्स, के के और के यहाँ पर कट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर पहले से चार्जेस का वैल्यू मिला है क्यू वन एंड क्यू टू का। कुछ समझ नहीं आता? नहीं सर, नहीं समझा। बाजी ये जो मैंने लिखा है ये समझाइए मिस्टर हरियाणा। या हमारे पास यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πE0Q1/x2। या तो हम लोग को यहाँ पर दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसका ये वो पॉइंट ऑन द लाइन निकाल सकते हैं इसमें। ओके सर, समझा, थैंक यू। चुनाव जी समझ नहीं आ, नहीं सर, क्या बात कर रहे हो भाई, ये जो मैंने किया है क्या किया सामने, आपके सामने क्या किया? सर ये अंबाजी मिस्टर चुनाव को समझाइए। हमने इस समय यहाँ पर हमने दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और हमने एक एक में आर की जगह हमने एक्स डाला, दूसरे वाले को 0.1-x डाला, क्योंकि यहाँ पर दे आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर हम लोग को दिया गया वैल्यू, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो दोनों कट हो जाएगा, तो 10^-6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2×10^-6 अपॉन 0.1-x द होल स्क्वायर, तो 10^-6 दोनों जगह कट हो जाएगा, और हम फिर ये एक्स का स्क्वायर करके निकालेंगे इसका सर। एक बात तो है समझना, फिर दूसरी बात है इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इसमें दो चैलेंजेस हैं, तो पहले तो समझ लीजिए, ये ए बैठा सर 1 माइक्रो कूलम, ये 1 माइक्रो कूलम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ये बाजू राइट साइड में, जो बी है सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा लेफ्ट साइड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाए। रेवन जी यहाँ तक समझ आ गए? जी सर। तो आप डिस्टेंस पी का ए से मान लेते हो कि सर लेट अस अज्यूम दैट इज एक्स, अगर ये एक्स है तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 0.1-x। सर यहाँ तो कोई तकलीफ है? नहीं सर, नो सर। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया, तो आपने ये इक्वेशन लिख दी और ये इक्वेशन लिख दी, सर यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। अब सर इसको सॉल्व करने के लिए जानवर की तरह मत कीजिए, ये 1/4πE0 और 1/4πE0 तो वैसे ही निकल जाता है, नहीं समझना है तो समझ। उसी तरह 10^-6 और 10^-6 भी कैंसिल हो जाता है, सर नहीं समझ में आ रहा? समझ। ये वाला जो 2 है ये x square से यहाँ पर आ गया 2x square, और यहाँ 0.1-x square ये आ गया यहाँ पर। रेवन जी नहीं समझ रहे?
समझा सर। अब जब इसको खोलेंगे ये बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आएंगे सॉल्यूशन। सर नहीं समझा? तो समझा समझा, वो सारा काम है क्लास टेंथ मैथ्स का, क्लास टेंथ मैथ्स का। वो कचरे में मैंने गुजरा, वो अपने आप करते रहिए। कोई तकलीफ होगी तो मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, नहीं समझ रहा है? बार बार कह रहा हूं, मेरे क्वेश्चन करने से आपको समझ नहीं आएगा। मैं तो आपको कंफर्ट दे सकता हूं कि बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, फाइनली आपको ही करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगी आपसे, अगर नीचे की क्लासेस के फंडे की करनी है। सिराज जी बात समझ आ रही? यस सर। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अगर ये नहीं हो सकता तो कॉम्पिटिशन का छोड़ दो, नीट भी छोड़ दो, जेई भी छोड़ दो, कोई आर्किटेक्चर का आपने लेना वो भी छोड़ दो, कुछ नहीं होना। अब बात समझ आ रहा? क्वेश्चन थ्री देख लीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज इज 100 वोल्ट। चिराग जी क्वेश्चन का मतलब समझाइए। तो मतलब एक चार्ज है उसमें से एक 10 सेंट, तो एक दो चार्ज है सर, एक ही चार्ज है उसमें जो ये 0.1 मीटर फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है जो 100 वोल्ट है, तो वो बोल रहे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ढूंढना है। वो सर वो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर सकता है, वी इज इक्वल टू के इन टू क्यू बाय आर, और फिर अगर हाँ और अगर हमारे पास आर है और के का वैल्यू पता है तो क्यू निकाल सकते हैं। अब्बा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवन जी नहीं समझ में आया? सर समझो। देखिए सर मेरी बात समझिए, आई एम सॉरी, आपको क्यू की वैल्यू निकालना। देखिए मेरी बात समझिए, ये जो चार्ज है ना, कोई भी चार्ज रहेगा, आप कोई भी चार्ज आप होने दीजिए, वो तो अपने आसपास जैसे एट अ डिस्टेंस, जैसे इसी केस में ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से, आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज बैठा होगा यहाँ, ये अपने आसपास एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये अपने आसपास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। सर समझ समझ आ रहा है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ, ये बेसिकली स्फीयर है, सर्कल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। राम जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर। तो कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस माय फ्रेंड्स ये स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं है, इस चीज में ये क्लियर होनी चाहिए चीज। राम जी क्लियर है तो आगे चलो। जी सर। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं सर, ये आपके ना तो इस एडिशन में 11th में है ना 12th में, ये आपके पुराने एडिशन में थे और अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, किसी ने अपना दिमाग लगाया और सारे न्यूमेरिकल्स निकाल दिए। बड़े लोग हैं, बड़ी बात है। व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। चिराग जी क्वेश्चन का मतलब समझाइए। सो मतलब एक ये एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इट इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट की है। रेवा जी विजुलाइज करने के लिए समझिए, ये यहां पर लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन पड़ा, विजुलाइज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ दीजिए तो ये नीचे की तरफ भागेगा। नहीं समझ में आ रहा? जी सर। ये दोनों पॉइंट्स में मतलब ये लेवल में और ये लेवल में डिफरेंस है 200 वोल्ट का, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी ना अपने आप। आबाजी नहीं समझ में आ रहा? समझा। अच्छा कितनी एनर्जी आएगी चिराजी, क्या फॉर्मूला लगेगा? सर W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा V। W इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू डेल्टा V। चिराजी नहीं आबाजी नहीं समझ में आया? समझा सर। क्यू आपके पास है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, वो जब वो इलेक्ट्रॉन बोलता है तो वो एज्यूम करता है कि आप केमिस्ट्री में आपको आता है कि इस पे चार्ज कितना है, वो एज्यूम करता है कि आप पढ़े लिखे लोग हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। जब वो बोलता है हाइड्रोजन एटम,
तो वो मान के चलता है कि पढ़े लिखे हो, पता है, इतनी अकल है, घर वालों ने पैसा लगाया हुआ स्कूल पे ट्यूशन पे, कि यहाँ पर एक प्रोटॉन होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होगा। इधर उधर दीवारों की तरफ, छत की तरफ मत देखिए, अरे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो दिया नहीं, नहीं समझ में आया, चिराग जी नहीं समझ में आया, समझ है। अगर इस चीज में भी कंफ्यूजन है बेटा, पैसे इकट्ठे करो, घर से भाग जाओ, हीरो बन जाओ। क्यू है, डेल्टा वी है, वर्क डन, बार बार 50 बार बात हो चुकी है कि ये जो वर्क है ये बेसिकली किसके इक्वल है, एनर्जी के। हरियाणा जी अभी भी कंफ्यूजन नहीं सर, अगर नहीं समझ आता तो यार 10th की फिजिक्स देख लीजिए ना, यहाँ पर आपके पास मास है, ये मास को धक्का मार के आपने यहाँ तक ले गए, तो जितना आपने काम किया था उतनी उसमें एनर्जी है, कितनी एनर्जी है उसमें, ग्रेविटेशन में हम इसको क्या बोलते थे, कितनी एनर्जी है, MGH। अब ये MGH अगर छोड़ दोगे, जब नीचे आएगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी MGH, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ MV² में। नहीं समझ में आया आप जी, चिराग नहीं समझ में आया, तो समझ रहा, वो सारे पुराने पढ़ने हैं यार, कोई नए पढ़ना नहीं है। मैं जी समझ आया तो आगे चलो जी सर। नहीं सर, ओके, इसमें ना सर वेक्टर्स लगेंगे, मैं ज्यादा वेक्टर की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन किया हुआ है, चिराग जी याद है? यस सर, मैं अब जान के इसको करना नहीं चाहता। अगर आपको ये भी याद होगा, आई थिंक जब हमने क्वेश्चन किया भी था, तब हमने जो क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है तो वो किस लिए किया था, रिजल्टेंट, इसको याद है? पोटेंशियल के लिए। सब शराब पी के बैठे हो अब्बा जी, आप रिजल्टेंट क्या निकाला था, फील्ड निकाला था, रिजल्टेंट। हाँ सर, और उस टाइम भी बात की थी फील्ड है तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, चिराग नहीं याद है? याद है, कुछ भी झूठ बोलते हो, नहीं याद है तो पुराना लेक्चर मैं आपको भेजूंगा, मैं इस क्योंकि उसमें वेक्टर्स वगैरह है पूरा लेक्चर, उसमें हमने एक न्यूमेरिकल बनाया था, तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा इंडिकेशन मैं आपको दे देता हूँ, शायद ये फॉर्मूला देख के आपको याद आ जाए। अगर आपको याद है, दो पार्ट में हमने किया था, एक पार्ट में हमने मैग्नीट्यूड निकाला था और दूसरे पार्ट में हमने फिर डायरेक्शन निकाली थी, याद आया नहीं आता? अब तो याद आ गया हो, यस यस सर, और भी याद होगा तो ये भी याद होगा कि जो एंगल था वो आपकी 11th क्लास की बुक में गलत लिखा था, गलत लिखा था। अरे और नहीं याद है? याद है सर, ये 11th क्लास का न्यूमेरिकल था, यस सर, डिटेल में किया, दो पार्ट्स में किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बड़े अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल है यार, अगर कोई फंडा नहीं समझ आया तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके सारे फंडे समझ आते हैं। टू प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस आर इतने अपार्ट, व्हाट इज अ म्यूचुअल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? नहीं समझ आया चला जी, क्वेश्चन समझाइए। सर दो प्रोटॉन है, उनका इक्वल होगा ये चार्ज, तो हमें ढूंढना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है दो प्रोटॉन के बीच में। हरियाणा जी समझ गए? सर नहीं सर, मैं बराबर समझ नहीं पा रहा। राजी समझ गए? एक 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 यूरेनियम एटम है, उसके अंदर हमें जो ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू ये प्रोटॉन्स ढूंढना है, तो उन्होंने हमको ये डिस्टेंस दिया प्रोटॉन्स के बीच में, और हमको चार्ज प्रोटॉन्स का पता है, तो फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हैं। समझा सर, मैं समझ पा रहा हूँ। क्या जी, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ठूसे हुए हैं आपने यूरेनियम, यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर ठूसे हुए हैं आपने प्रोटॉन्स, और तभी बेचारा परेशान होता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और तभी वो रेडियो एक्टिव। नहीं समझ पाया? समझा सर। अरे भैया परेशान है ना, अब एक कमरे में आप या एक बाथरूम में क्या नाम 50 लोगों को बीच में डाल दो तो परेशान हो जाएंगे ना, खिड़कियां तोड़ दरवाजे तोड़ेंगे। नहीं समझना, तो ये न्यूक्लियस के अंदर आपने ठूस दिए प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स बाहर निकलना चाहते हैं, तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब
आपसे पूछा जा रहा है कि सर दो प्रोटॉन है, चार्ज देने की जरूरत है क्या चिराग? नहीं सर हमें पता है। इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है आर, और इसमें क्या होगी म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी चिराग जी, क्यों होगी? तो क्योंकि दोनों ये पॉजिटिव चार्ज में ही और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। यार रिपेल करना चाहते हैं ना एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। रेयन समझ नहीं आ रहा? समझा सर। अगर नहीं समझ आ रहा तो वैसे तो कल के लेक्चर में डिटेल में बात हुई थी, अगर आपको याद हो ये एक चार्ज है क्यू वन, अगर आपको याद होगा कि क्यू वन का ड्यू टू दिस चार्ज, या ऐसे कर लीजिए क्योंकि कल वाली भाषा यूज करते हैं ना, नई चीज नहीं यूज करता, ये मदर चार्ज है क्यू, मदर चार्ज का एट अ डिस्टेंस आर पोटेंशियल कितना होगा चिराग? पोटेंशियल क्या कर रहे हो? सो वी के इनटू क्यू अपॉन आर। तो परेशानी है क्या? नहीं सर वो फॉर्मूला में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं कर रहे। ये पॉइंट पी है यार, पॉइंट पी व्हिच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अदर चार्ज क्यू, यहाँ पर पोटेंशियल इतना है। इन्फिनिटी में क्या है टेस्ट चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू को यहाँ लेके आना चाहते हो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से, काम कितना होगा चिराग, कितना वर्क डन होगा सर? वी वन अपॉन इस सामने फॉर्मूला लिखा है यस बेटा, जब तक चिराग कंफ्यूजिंग है, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे नहीं होंगे, परेशान रहोगे। यस सर जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे ऐसे रीड होके लेक्चर खत्म होता रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, हर बार लगेगा हे प्रभु मैं ऐसा क्यों नहीं समझ रहा। तो समझ आ अब बाजी को डाउट है? नो सर। अब ये जो वर्क डन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा चिराग? सर पोटेंशियल एनर्जी। अब बाजी ठीक करो? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू क्या बोलते हैं टू चार्ज सिस्टम, लिख लो भाई देखते मत रहो, लिख लो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर इधर उधर देखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला क्या होगा रेयान? चिराग नहीं समझ में सर। समझ आ भैया याद है ना ये डेल्टा वी इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ तो डिफरेंस यहाँ जीरो है, यहाँ पोटेंशियल कितना है यहाँ पोटेंशियल इतना, तो आपने इतना पोटेंशियल इंक्रीज किया इसलिए जो पोटेंशियल है वो ये यहाँ पर है। अब आज भी अभी भी डाउट है? फॉर्मूला रख लीजिए सर, मैं एक लिस्ट बना के भी भेज दूंगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम इज गिवन बाय क्यू क्यू बाय आर। सर कोई परेशानी? रेवन जी कोई परेशानी? सर परेशानी है फोर्स का फॉर्मूला याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करना, पोटेंशियल का करना, पोटेंशियल एनर्जी का करना, परेशानी तो है ही है। अच्छा वो पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, कभी बन जाती है वर्क, और फिर टू टॉप इट ऑल कई बार आइसोलेटेड चार्ज आएगा, सुन लीजिए आराम से, कई बार चलिए समझ लीजिए आप ही, मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में परेशानी है, कभी आएगा आइसोलेटेड चार्ज, कभी आइसोलेटेड चार्ज के घर में आ जाएगा टेस्ट चार्ज, नहीं समझ रहा है? तो समझ रहा। कई बार जो आइसोलेटेड चार्ज है वो बैठा होगा किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं समझ में आया? तो समझ समझा। या वो आइसोलेटेड चार्ज बैठा होगा किसी पोटेंशियल में, नहीं समझ में आया? तो समझ। और
और रायता फैलाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाएगा डायपोल। नहीं समझ में आया? समझ रहा हूँ। अब आज परेशानी समझ रहे हैं आप? परेशानी क्या है चैप्टर में? हाँ सर। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है, ये परेशानी है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप जो दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आप समझ पाएंगे। कैसी कॉन्फ़िगरेशन? अरे अंकल ऐसे डरा रहे हैं, कुछ नहीं होता ऐसे फिजिक्स में, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है कैसे बनती है, ये देखिए यहां से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये है ए। बी क्या बनेगा? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मेरी बात समझ आई? यस सर। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये तो पोटेंशियल के तीन केसेस बन गए। अब बात नहीं समझ रहा? समझा। तो अभी भी इनको चैन नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन बनानी शुरू कर दी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी किसकी बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस, ए कॉन्फ़िगरेशन। ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। यहां तक समझ आया? अरे समझ आ रहा है या सो गए हो? समझ आया। सी केस बना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी टू सिस्टम टू पॉइंट चार्जेस में थी, इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, ये दोनों सिर्फ आमने सामने थे, लव कुश सिर्फ ये थे। अब आपने क्या किया, जो सिंगल चार्ज है उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया। और फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब आपने क्या किया, पहले ये जो दो पॉइंट चार्जेस थे वो आइसोलेटेड थे, मतलब इनके आसपास और कोई नहीं था। बट ये डी केस में आपने जो दो चार्जेस लिए उनको किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया। नहीं समझ में आ रहा? परेशान हो रहे? समझ आ। और फिर मतलब एकदम रायता फैलाने के लिए आपने एक डायपोल लिया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। ये समझ में आया? अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना, वो हम सिंपल न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जिसमें हम सिंपल चार्ज है, हमारे पास एक ही चार्ज है, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। और तभी बार बार कह रहा हूँ कि इसकी ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, नहीं तो जो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, जो टू पॉइंट चार्जेस हैं जिसको एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया वो समझ नहीं आएगा, या डायपोल को डाल दिया वो समझ नहीं आएगा। परेशानी समझ रहे हैं आप? Yes. Okay. ये मैं स्किप मारता हूं। ये बेसिकली अगर आप बात समझ रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखिए हमने अभी जो डेरिवेशन की है, हमने अभी ये जो डेरिवेशन की है, ये डेरिवेशन किसकी की है? देखिए हमने ये वाली जो डेरिवेशन की है, थोड़ा सा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये जो एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये है टू पॉइंट सिस्टम की। अब आप समझ आया? यस यस सर। इमेजिन कीजिए मदर चार्ज, मदर चार्ज के बाजू में आप ले आए क्यू वन को, तो वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ आई? यस। मैं इसको अब क्या करता हूँ, इसको मदर चार्ज को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसको मैं लिखता हूँ Q1 और इसको लिखता हूँ Q2 और इनमें जो डिस्टेंस है उसको लिखता हूँ R12। बात समझ आ गई? हाँ सर। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की एक एनर्जी है विच इज गिवन बाय, चिराजी क्या फॉर्मूला होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू K इनटू मदर चार्ज Q अपॉन R। ठीक लिखा मैंने? Yes. यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। बाजी कोई परेशानी? नो सर। अब ये एक पॉइंट लीजिए यहाँ पर, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट सी है। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। पॉइंट सी का
पॉइंट सी का ए से डिस्टेंस है आर 13 और सी का बी से डिस्टेंस है आर 23। नहीं समझ में आया? समझा। अगर यहां तक समझ आ गया रेवन जी परेशान मत होइए, आराम से समझिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो पोर्शन नहीं समझ आ रहा उसको रिमाइंड करके आप दे सकते हैं। अब ऐसा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, दिस इज वर्क वन। वर्क वन मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 close to Q1। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, yes sir। तो ये तो आपने काम कर दिया, ये यहाँ W1 बन गया। अब देखिए सर, थोड़ा सा बात समझिए, ये बाजू में इंफिनिटी पे Q3 वेट कर रहा है और Q3 इंफिनिटी से पॉइंट C पे आना चाहता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? Yes sir। अगर Q3 इंफिनिटी से C पे आना चाहता है तो Q3 आपसे पूछता है कि सर क्या माहौल है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, क्योंकि जितना यहाँ पोटेंशियल है उसी हिसाब से तो आप मेरे पे वर्क करेंगे। नहीं समझ में आया? यस समझा। अब लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड पोटेंशियल पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब पोटेंशियल एट सी इज गिवन बाय पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। नहीं समझ में आया? पोटेंशियल ड्यू टू ए इज गिवन बाय 1/4πE0 Q1/R13। पोटेंशियल ड्यू टू बी एट सी इज गिवन बाय 1/4πE0 Q2/R23। नहीं समझ में आया? सर समझ। अबाजी समझ आ रहा है? सोके या लेक्चर छोड़ के भाग गए कि भाई ये तो अपने बस का नहीं होगा? सर समझ आ रहा है सर। तो ये आ गया यहाँ पोटेंशियल C विच इज गिवन बाय दिस मॉन्स्ट्रस इक्वेशन। कोई डाउट है? नो सर। अब यहाँ ये जो इसको खींच के आप यहाँ लेके आओगे, जो वर्क डन होगा दैट विल बी गिवन बाय, चिरागी थोड़ा हिम्मत करके बताइए क्या होगा? सर क्यू जो सी का क्यू है इनटू जो वी सी आएगा। नहीं समझ नहीं आ रहा सर। वी सर ये नहीं समझा तो। नहीं सर मुझे भी नहीं समझा। एक सेकंड सर, मेरा ना पेन आजकल तंग कर रहा है, मुझे रिप्लेसमेंट ऑर्डर की है। मैं लिखता हूं इक्वेशन और थोड़ा समझने की ट्राई कीजिए। बेसिकली यार ऐसा है कि वी सी पे जो पोटेंशियल है वो है 1/4πE0 Q1/R13 + 1/4πE0 Q2/R23। ये कोई डाउट है यहाँ तक? सर लेकिन उसमें कांस्टेंट क्यों नहीं आएगा? वो मैं लिख रहा हूँ यार, वो मैं लिख रहा हूँ। किस वन बाय फोर बाई ई नॉट मैं बाहर निकाल लूंगा। बेसिकली ये वाली जो टर्म है इसको कॉमन टर्म को मैं बाहर निकाल लूंगा। ओके सर। पहले मैं ये Q1/R13 और Q2/R23 लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। समझ आ रही। और 1/4πE0 मैंने बाहर निकाल लिया। अब बाजी ठीक? यस सर। फाइनली ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, ये तीन चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो वर्क डन आपने किया वो क्या किया? पहले किया W1 और फिर किया W2। नहीं समझ में आया? समझ आया। फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये
वन बाय फोर बाय ई नॉट ले लिया कॉमन, पहले आया क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू, फिर आया क्यू वन क्यू थ्री बाय आर वन थ्री, और फिर आया क्यू टू क्यू थ्री बाय आर टू थ्री। अब बात जी को नहीं समझ में आया, चुना जी समझ आया नहीं है? समझ आया। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली ये फॉर्मूला इतना बड़ा याद तो होगा नहीं, तो समझ लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास तीन चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको अगर तीन चार्जेस वाले कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकालनी है, या तो एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीन ऐसे चार्जेस को एट अ सर्टेन डिस्टेंस रखने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए। Q1 Q2 मतलब दो चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। Q1 Q3 मतलब यहाँ Q3 आएगा ना, यहाँ Q3 आके बैठेगा। सर मेरा टेस्ट है सर, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। ठीक है सर, चलो कोई नहीं, थैंक यू सर। अब आज आपको समझ आ रहा? यस। Q1 Q3 बाय डिस्टेंस R13 वो लिख दिया आपने यहाँ, और तीसरा Q2 Q3 बाय R23। नहीं समझ में आया? यस। रेहान जी को कुछ समझ नहीं आया तो रेहान जी, रेहान जी परेशान मत होइए, छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं डेरिवेशन में टाइम लगा दिया, तभी मैं आपको बोला था कि डेरिवेशन पे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आपको कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ ये याद रखिए, और कुछ बकवास समझने की जरूरत नहीं। बाजी बोलिए क्या फॉर्मूला होगा? 1 अपॉन 4 पाई ई नॉट q1 q2 अपॉन r12 प्लस q1 q3 अपॉन r13 प्लस q2 q3 अपॉन r23। शाबाश। मैंने कुछ गलत किया है, मुझे बताइए मैंने क्या गलत किया? ये R13 है, ये R12 है, ये R23 है, हम सब R23 लिखना चाहिए आप, तो यहाँ क्या होना चाहिए आप? राहुल जी ठीक है? जी सर। तो मैं एक्चुअली अवॉइड कर रहा था, बट ठीक है, अब डिस्कस हो गया, हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए चिराग समझ आया, सॉरी अब बात समझ आया, इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन एट जो मैं सोच रहा था कि स्किप कर रहे हैं, ये समझा सर। Three charges are arranged as shown in figure. What is the potential energy of the system? मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। चिराग जी अगर समझ आ गई तो बताइए आंसर क्या होगा? सर इसमें 1 upon 4 pi e naught minus 4q plus minus 4q into plus q upon a प्लस माइनस फोर क्यू इंटू प्लस टू क्यू अपॉन ए प्लस प्लस क्यू इंटू प्लस टू टू क्यू अपॉन ए। रियल जी कंफ्यूज हो? नहीं सर। तो सॉल्व करके क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब आज कोई डाउट? नो सर। ये सब तामझाम है यार, ये यहाँ सारा उन्होंने किया हुआ है, आप इसको करते रहिए। अब देखिए इसी का भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। डायपोल को मैं हाथ में लगा रहा, पहले डायपोल, बस पहले जो डायपोल था ना, वैसे तो ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है ना, इसको जान के हाथ में लगा रहा। थ्री पॉइंट चार्जेस are placed at three vertices of a equilateral triangle. Find the value of the charge Q in terms so that electric potential energy of the system is zero. अब आप समझ आए? हाँ सर, यहाँ पर हमारे पास potential energy पहले से दिया हुआ है,
and we have to find the charge on plus mother charge, that is plus Q, capital Q. तो बोल दीजिए अब आज कैसे करेंगे सर वो है U is equal to 1 upon 4 pi E naught Q1 Q2 upon A plus Q1 Q3 upon A plus Q2 Q3 upon A पहले इसमें A हम लोग कॉमन लेंगे फिर उसके बाद जहाँ पर Q1 और Q2 में जो चार्जेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम विथ Q1 एंड Q3 एंड Q2 एंड Q3 और उसके बाद हम लोग को ये 1 upon 4 pi E naught से सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू आई गेस बात समझ आ रही है हाँ सर एक्चुअली अगर आपको बात समझ आ रही है ये 4 by E naught और ये जो A है वो तो सारे के सारे जीरो होने वाले नहीं समझ रहा वो तो इस साइड तरह है हाँ हाँ सर हाँ समझा सर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ए की जरूरत ही नहीं है आपको बात समझ में हाँ सर ये कैंसिल हो जाएगा और फिर फाइनली ये आपका आ जाएगा आंसर सर कंफ्यूज ये आपका आंसर आ जाएगा सर समझ रहा सर मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि छोटे क्वेश्चन आपके तो डिफिकल्ट समझ पाएंगे अब देखिए उसके बाद ये आता है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस इसमें है 10-11 क्वेश्चन इसमें जो डायपोल वाले क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिए और ये आज आपको भेजे गए हैं सॉल्यूशंस हरियाम जी देख रहे हैं जी सर क्वेश्चन फिफ्थ जो थोड़े से डिफिकल्ट है क्वेश्चन फिफ्थ 6, 7, 8, 9 डायपोल का क्वेश्चन मैंने नहीं किया और जो आसान से क्वेश्चन था वो मैंने लिखे ये सॉल्यूशन देख के आपको बेसिकली आपका नेक्स्ट लेक्चर का जो होमवर्क है होमवर्क मान लीजिए या आपको जो सेल्फ एजुकेशन सेल्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए जो काम करना है वो ये करना है जितने भी हमने ये सॉल्ट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं वो सारे आपको करने उसके बाद ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हैं ये आपको करना है जहां तकलीफ होगी आपको ये जो सॉल्यूशन है ये आप रेफर कर सकते हैं अब बाजी समझ आएंगे हाँ सर अब बाजी ये सब समझेंगे तब तो ये समझ आ जाएगा क्लास 12th नहीं तो ये समझ नहीं आएगा यस सर क्योंकि इसी का भाई यहाँ पर है ये देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर देख रहे हैं ये देखिए यस सर हमने अभी ट्राइंगल का किया है और आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर का बस ये डिफरेंस है यस सर इफेक्टिवली अगर आपको बताऊं इफेक्टिवली हम आपका जो ये वाला जो चैप्टर है ना डायपोल को अगर आप छोड़ दें तो पेज नंबर एज अ मैटर ऑफ ये भी हमने डिस्कस कर दिए मोर देन हाफ ऑफ दिस चैप्टर आपका खत्म कर चुके हैं लास्ट का सिर्फ का ये वाले चैप्टर का सिर्फ ये बचता है कैपेसिटर्स बात में लगा यस सर मोर और लेस आपका 11th का भी ये चैप्टर खत्म हो जाता है और 12th का भी खत्म हो जाता है सर कोई डाउट नो सर बाकी जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे यार उतना समझ आएगा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा रेहन समझ आए कोई डाउट है कोई डाउट है पूरा वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं मैं आज या कल मैं इसको अपलोड कर दूँगा ठीक है सर यस सर